जय हिंद, जय भारत। समस्त भारतवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज़ादी का यह पावन पर्व हमारा है। आगत स्वागत 15 अगस्त सौ सौ बार तुम्हारा है। समस्त भारत माता के वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन। साथियों, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2024 को लाल किला पर 11वीं बार ध्वजारोहण करते हुए। तो साथियों, आज हम 15 अगस्त 2024 के शुभ अवसर पर जो नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और अतीत में जो हमारे प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रहित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लेट अस स्टार्ट। हम भारतवासियों को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो साथियों, 15 अगस्त 1947 को। सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर मेरे प्यारे भारत देश को आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अंग्रेजों को उनके देश वापस खदेड़ कर 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत को सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त किसने सुनिश्चित किया था? तो साथियों, आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। ध्यान रहे, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ यानी 15 अगस्त पर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण की तारीख 14 अगस्त को सुनिश्चित किया ताकि दोनों समारोहों में वे शामिल हो सके। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान का विभाजन योजना किस रूप में जानी जाती है? तो साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को भारत व पाकिस्तान के विभाजन योजना के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो साथियों, 77वीं। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? वर्षगांठ पूछा जा रहा था, वर्षगांठ एक वर्ष में आता है, तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। ध्यान रहे, पहली स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाई गई और पहला वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को, यानी एक वर्ष पूरे होने पर। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2024 को कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो साथियों, स्वतंत्रता दिवस पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा 78वां स्वतंत्रता दिवस। वर्षगांठ पूछेगा तो 77वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आपका जवाब होगा भारत का प्रधानमंत्री। ध्यान रहे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण करते हैं। कहाँ? कर्तव्य पथ पर। और राज्यों में 15 अगस्त पर राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं और 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल जो है ध्वजारोहण करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2024 के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रहा? तो साथियों, स्वतंत्रता दिवस का थीम रहा विकसित भारत। 15 अगस्त 2024 का स्वतंत्रता दिवस का थीम रहा विकसित भारत। अगला प्रश्न है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने 11वीं बार लगातार लाल किला पर ध्वजारोहण करने का गौरव प्राप्त किया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, लाल किला से सबसे अधिक 17 बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है? तो साथियों, आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रहे कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से हैं, इन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया था। दूसरे नंबर पर हैं इंदिरा गांधी जो 16 बार, फिर मनमोहन सिंह 10 बार, एक कांग्रेसी हैं। लेकिन गैर कांग्रेसी पूछेगा तो सबसे अधिक श्री नरेंद्र मोदी जी जो 11 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, उन प्रधानमंत्रियों के नाम बताएं जिन्होंने कभी भी लाल किला पर ध्वजारोहण नहीं किया। तो साथियों, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ध्वजारोहण नहीं किए। यूनेस्को द्वारा लाल किला को विश्व धरोहर सूची के रूप में कब शामिल किया गया? तो साथियों, आपका जवाब होगा 2007 में। अगला प्रश्न है,
विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साथियों आपका जवाब होगा मैडम भीकाजी कामा। ध्यान रहे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा द्वारा 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो साथियों यदि प्रश्न पूछता है कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो मैडम भीकाजी कामा। साथियों अगला प्रश्न है भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है साथियों। तो आपका जवाब होगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। साथियों अगला जब प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस कौन सा दिन था? तो साथियों आपका जवाब होगा शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। साथियों अगला प्रश्न है 15 अगस्त के दिन भारत के अतिरिक्त और कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 देश ऐसे हैं जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जिनमें है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो, लिक्टेस्टीन। आप इन 5 देशों को याद रखिएगा जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के साथ ही इन्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। साथियों अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो साथियों आपको ध्यान रहे 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2, और यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों आपका जवाब होगा पिंगली वेंकैया। ध्यान रहे राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां होती हैं जो केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की होती हैं। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है जो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग होता है जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है, और सबसे नीचे गहरा रंग होता है जो जीवन और समृद्धि तथा खुशहाली का प्रतीक होता है। साथियों अगला प्रश्न है पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों पिंगली वेंकैया की जयंती 2 अगस्त को मनाई जाती है। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे में चरखा की जगह चक्र कब अपनाया गया? तो साथियों आपका जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने अशोक चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा धर्म चक्र। धर्म चक्र का अर्थ होता है कानून का पहिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया? तो साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से। साथियों राष्ट्रीय झंडा दिवस हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय झंडा गान क्या है साथियों? तो भारत का राष्ट्रीय झंडा गान है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साथियों अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन लिखा है? राष्ट्रीय झंडा के रचयिता कौन है? तो आपका जवाब होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने भारत का राष्ट्रीय झंडा का झंडा गान लिखा है। साथियों अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। साथियों भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? तो साथियों आपका जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? भारत का राष्ट्रीय गान गाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो साथियों 52 सेकेंड। ध्यान रहे कुछ विशेष अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसमें 20 सेकेंड समय लगता है। साथियों अगला प्रश्न है
स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था? तो साथियों आपका जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पारसी बगान कोलकाता में फहराया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, तो आपका जवाब होगा अरुणा आसफ अली। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो साथियों 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। साथियों अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो साथियों आपका जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो साथियों राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था और इसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो साथियों आपका जवाब होगा 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया? तो जिस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था उसी दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस पुस्तक से संकलित किया गया है? तो साथियों आपका जवाब होगा आनंद मठ से। साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ से ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। इस गीत में संपूर्ण 5 पद होते हैं किंतु इसका प्रथम पद ही गीत के लिए स्वीकार किया गया है। इसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों आपका जवाब होगा पंथेरा टाइग्रिस। साथियों बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इसके पूर्व सिंह था, 1972 में सिंह से जो है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ। साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपका जवाब होगा मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा पाओ क्रिस्टेसस। साथियों भारत सरकार ने मोर को भी एक संरक्षित प्राणी माना है और इसे भारतीय वन्य प्राणी संरक्षा अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फल आम है जिसे हम फलों का राजा कहते हैं। साथ में यह भी ध्यान रहे कि आम जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फल भी है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों आपका जवाब होगा मैंगी फेरा इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा इंडिकस। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने होते हैं? तो साथियों आपका जवाब होगा 3, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। साथियों आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय पर्व पर जो है राष्ट्रीय अवकाश भी होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 राष्ट्रीय अवकाश भी होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों,
तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 19A। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों आपका जवाब होगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आई? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी सर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक A.O. Hume रहे। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? साथियों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1600 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत पर कितने वर्षों तक शासन किए? तो साथियों आपका जवाब होगा लगभग 200 साल तक। अंग्रेज भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किए। अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों आपका जवाब होगा पांचवा मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 में जो है लाल किला का निर्माण कराया था। इसने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। साथियों दिल्ली में स्थित लाल किला का असली नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों किला ए मुबारक। क्या नाम है? किला ए मुबारक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों आपका जवाब होगा रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों आपका जवाब होगा क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली जो है स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हों तो इसे जो है सब्सक्राइब अभी कर दें। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।